दोस्तों, ट्रांजेक्शन डिलाइन प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का आता है। एटीएम मशीन में जाने के बाद ऐसा एरर आता ही है दोस्तों। अगर आप एटीएम यूज़ कर रहे हो तो किसी ना किसी एक दिन आपको भी आया होगा, और आज आया होगा इसलिए तो आपने ये वीडियो पर क्लिक किया होगा। तो दोस्तों, ट्रांजेक्शन हैज़ बीन डिलाइन, ऐसा प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ता है हर किसी को भी। तो आपको इस प्रॉब्लम से दोस्तों निकलना कैसे है? तो देखो दोस्तों, ट्रांजेक्शन हैज बीन डिलाइन के साथ नीचे और भी कुछ रीजन बताया जाएगा कि क्यों ये ट्रांजेक्शन डिलाइन हुआ है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि सिर्फ प्रॉब्लम है, ट्रांजेक्शन डिलाइन लिख के आ जाता था एटीएम में। बट अभी के टाइम पर एटीएम मशीन भी आपको रीजन बताता है कि क्यों डिलाइन हुआ है। ठीक है, तो पहले नीचे का रीजन देखो, उसके बाद वो रीजन को गूगल पर सर्च करो या तो यूट्यूब पर सर्च करो, तो वीडियो मिल जाएगा, देख लो, समझ लो, उसके बाद उस तरीके से रिएक्ट करो। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप लेना है वो लो। ठीक है, तो आई होप अगर आपका भी ट्रांजेक्शन हैज बीन डिलाइन आया है तो आप शायद मेरा इस बातों को समझ कर खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही।